हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी, बट वेरी टेस्टी एंड यमी। ये वेजिटेरियन के लिए ट्रीट से कम नहीं होगी। मैं अक्सर ये वेजिटेबल बनाती हूँ क्योंकि कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, इसमें विटामिंस और मिनरल्स बहुत ही होते हैं। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी, दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथन द बोन, देन मेमोरी पावर, दिस इज़ गुड फॉर द कैंसर पीपल, डायबिटीज़ पीपल एंड ऑल्सो फॉर द हार्ट पेशेंट। एंड वन गुड न्यूज़ इज़ दैट इट्स गुड फॉर वेट लॉस। और एक टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कॉलीफ्लावर हम जब काटते हैं तो ये मिडिल का पोर्शन हम फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करें। आपको ये ज़रूर खाना है क्योंकि दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द फर्टिलिटी। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है। मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया है, लहसुन लिया है मैंने, फिर हरी मिर्च ली है मैंने, कुछ जीरा लिया है, फिर तेज पत्ता लिया है और कुछ मसाले हमने ने लिए जो हम तड़के में डालेंगे, वो है धनिया का पाउडर, देन लाल मिर्च का पाउडर, फिर 1/4 स्पून मैंने जीरा लिया है, भुना हुआ जीरा का पाउडर है, हल्दी है और गरम मसाला है 1 स्पून, काला नमक लिया है मैंने, हींग लिया है और आलू को मैंने पील करके बड़े बड़े काट के पानी में रख दिया है। चलिए तड़का देते हैं। तड़के के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए तो बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा। मैंने 3 स्पून लिया है, इसको अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट पे आने दीजिए तो कड़वापन निकल जाएगा उसका। फिर हम इसमें फूल गोभी जो कॉलीफ्लावर है इसको अच्छे से भून के ले गए, शैलो फ्राई करेंगे। आलू को भी हम अच्छे से फ्राई करके ले गए गोल्डन कलर आने तक। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसको अब निकाल देंगे। अब उसी पैन में ऑयल डाल के जीरा और तेज पत्ता को फ्राई कीजिए, फिर इसमें थोड़ा हींग डाल दीजिए और मैंने आधा प्याज काटा है, फिर आधा प्याज डाल के उसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर देंगे। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, अब उसको भी तड़के में डाल के अच्छे से भून के ले लेंगे। आप जितने अच्छे से भूनेंगे उतने अच्छे से आपकी सब्जी बनेगी। मैंने 2 टमेटो लिए थे, उसकी भी मैंने प्यूरी बना के रखी है, अब प्यूरी को भी हम अच्छे से भून के ले लेंगे। दो मिनट के लिए ढक के रख दीजिए ताकि अच्छे से ये सभी मसाले पक जाए। आप देख सकते हैं मसालों का सब मॉइस्चर जो है सूख गया है और तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आप ध्यान दीजिए क्योंकि चिल्ली भी हमने डाली है तो उसी हिसाब से डालिए लाल मिर्च का पाउडर। अब ये सभी मसाले को हम अच्छे से भून के ले गए 1 मिनट के लिए। अब हल्का सा थोड़ा पानी डाल के इसको वापस भूनिए। अब आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से भून के हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, गरम पानी आपको डालना है, मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसमें काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा अपना रेगुलर नमक भी आप डाल सकते हैं, आप चेक कीजिए क्वांटिटी और डाल दीजिए। अब हम इस ग्रेवी में पहले आलू डालेंगे, आलू थोड़ा टाइम लेता है तो पहले हम आलू डाल देंगे और आफ्टर 5 मिनट्स हम इसमें कॉलीफ्लावर डाल देंगे।
अब इसमें जाएगी कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो हमने फ्राई करके रखी थी, अब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। अब इसमें जाएगा गरम मसाला। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। आप देख सकते हैं अपनी ऑलमोस्ट सब्जी रेडी हो चुकी है। आलू को आप चेक करके देख सकते हैं पक गए क्या। अब आप ऊपर से इसको गार्निश कीजिए कोरिएंडर लीव्स से, धनिया के पत्ते से। ये फूलगोभी की सब्जी नॉर्थ इंडियन स्टाइल मैंने बनाई है, तो इसमें लोग घी भी डालते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप 1 स्पून डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है। देखिए अभी कितने अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है, तो ये अभी रेडी है, आप सर्व कर सकते हैं। आप फूलगोभी की सब्जी को नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। देन फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। बाय।